अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपको नज़र आ रही होंगी, पहले मैंने जो वीडियो शेयर की थी आपके साथ, उसमें मैंने एक्नी का जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी एक्नी के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, आपको बताई थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो एक्नी के बाद जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं, जो स्पॉट्स के लिए जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, सबसे पहले ये डॉक्टर शाइस्ता मेडिकल जो सेंटर है, डॉक्टर शाइस्ता लोधी का, वो हमारे यहाँ करीब में ही है, तो मैं वहाँ गई थी। तो उनका ट्रीटमेंट्स वगैरह भी उन्होंने काफ़ी बताए थे, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन ये है कि जो उन्होंने क्रीम्स दी हैं और जो जिन चीज़ों से ने यानी कि मेरी हेल्प की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें थी, क्या क्रीम्स हैं जो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। यानी कि ये सब चीज़ें जो है ये मैं अब यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत है इसमें चीज़ें, लेकिन ये भी मैं अभी यूज़ करती हूँ। और भी यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं तकरीबन मैं अब यूज़ कर रही हूँ, जो कि स्पॉट्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये भी किट उसी टाइप की है जिस टाइप की मैंने आपको वो स्टार्टर किट दिखाई थी एक्नी के लिए, AHA BHA, और ये है 30 डेज़ ब्राइटनिंग स्टार्टर किट है। ये ब्राइटनिंग है, वो एक्नी के लिए थी यानी कि लेकिन जो मुझे उसने ज़्यादा हेल्प की है और इसने ज़्यादा हेल्प की है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन यह कि ये भी अच्छी थी अपनी जगह पर स्पॉट्स के लिए, तो कौन सी ज़्यादा अच्छी थी ये मैं आपको। अच्छा, ये देखें, इसके अंदर ये कार्ड था इन्होंने, ये चाइनीज़ है। हाय हाय, कितना खूबसूरत इनकी स्किन लगती है ऐसी स्किन वैसे जैसे कि दिखाते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा था ये भी, ये किट भी अच्छी थी, बेस्ट थी यानी कि सही थी, बस बेस्ट भी नहीं थी। अच्छा, अभी इसकी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। इसका अंदर से जो कवर था ना, वो गुम शुम गया है। ये चीज़ें तो पड़ी हैं इसकी जो मैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। इसके अंदर जो थे ना, इसके भी 4 स्टेप्स थे इसमें। ये देखें, इसमें जो है हमें फेस वॉश या सोप वगैरह नहीं था यानी कि हमें नहीं मिला था इसमें ना। तो इसमें ये स्टेप नंबर 1 है टोनर, स्टेप नंबर 2 है सीरम, फिर स्टेप नंबर 3 है जेल क्रीम, और स्टेप नंबर 4 है स्लीपिंग मास्क। लेकिन ये सब चीज़ें ही वैसे मज़े की थी, अच्छी थी, खाई नहीं थी मैंने, लेकिन यूज़ की थी, अच्छी थी। तो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ इनकी कंसिस्टेंसी और ये कैसी हैं, ये आपको बताती हूँ। लेकिन ये है कि ये अच्छी हैं। ये देखिए, लाइटन स्टार्क स्पॉट्स एंड ब्राइटन अप डल स्किन टोन, इस पर जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये सम बाय मी की है, वो भी सम बाय मी की थी किट जो स्टार्टर किट थी, और ये भी, और इसमें ये चीज़ें हैं। ये देखें, ये टोनर, अच्छा इसको साइड पर करें अभी, जाओ साइड पे। ये देखें, ये हमारे पास टोनर है, और ये सीरम है, और ये जेल क्रीम है, और ये स्लीपिंग मास्क, ये पूरा जो 4 चीज़ें जो हमें मिली थी। अच्छा, सबसे पहले टोनर, ये देखें टोनर है अभी, इसके अंदर ख़त्म नहीं हुआ, मुक्का नहीं है अभी, है ये बेचारा है अभी, चलो रहा है। ये देखें, अच्छा अब टोनर कैसे दिखाऊँ मैं आपको, मुझे समझ नहीं आ रही। एक मेरा स्टैंड भी टूट गया है, वो भी मुझे नहीं लाग दिया अभी किसी ने। ये देखें, ये ब्लेमिश केयर लो pH टोनर, और इसमें यूजा एक्सट्रैक्ट है 90% और नियासिनमाइड है 5%। लेकिन ये दोनों चीज़ें ही वैसे ब्राइटनिंग के लिए बेस्ट हैं, हो सकता है इसने हेल्प की हो, मैं इतना कुछ जो यूज़ कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला कि किसने हेल्प की किसने नहीं की। अच्छा, इसका जो कैप था ना, घूम गया था मैंने, ये कॉटन बर्ड्स जो हैं, ईयरबड्स, ये इसके अंदर, मैंने कहा इसका होल जो है इसको बंद कर दूँ, वो अंदर ही घुस गया, नज़र आ रहा होगा ये अंदर फिर रहा है। अच्छा, ये टोनर की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊँ समझ नहीं आ रही। अच्छा चलें, कैप में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें कैसा है ये देखें, वाटरी सा है, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा है। और अच्छा, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ ताकि जो मेरी हेल्प कर दे, मैं आपको चीज़ें तो अच्छे से दिखा सकूँ। अच्छा, ये देखें व्यूअर्स, ये जो टोनर है ये इस टाइप का है, ये देखें ज़्यादा रनिंग भी नहीं है, ये देखें
और ये इस तरह से है, वाटरी सा ही है, टोनर जैसे होते हैं, जाहिर सी बात है, ये देखें ये इस तरह से टोनर है इसका, और लेकिन ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना इरिटेट करता है, क्योंकि इसमें यूजा नियासिन है, तो यूजा नियासिन जैसे लेमन, हम अगर स्किन पे लेमन को यूज़ करें तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है, ये उस टाइप का है, यानी कि इससे थोड़ी सी इरिटेशन होती है, अगर आपका जो ज़ख़म वगैरह हो तो आप उस पर इसको यूज़ ना करें। अच्छा, और ये सीरम है, ये भी तकरीबन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं निकलेगा, ऐसा निकाल के दिखाती हूँ, ये नहीं, ये देखें सीरम, ये भी रनी ही है, ज़्यादा ही डल गया बेचारा, ये देखें इस तरह से सीरम है, लेकिन ये ऑयली नहीं है बिल्कुल भी, हल्का सा ऑयल है इसके अंदर जो कि हमें नज़र आता है। और फिर उसके बाद ये हमारे पास जेल क्रीम है, ये देखें ये जेल क्रीम इस टाइप की है, ये भी थिक नहीं है, ये भी सही है, नॉर्मल है, ये देखें मम्मी ये भी भागी जा रही है, ये देखें ये जेल क्रीम है। फिर इसके बाद जो है ये स्लीपिंग मास्क जो हमने यूज़ करना है, ये पूरी नाइट केयर रूटीन जो है ये बन जाती है अगर ये आप किट ले लें पूरी, ये देखें ये जेल क्रीम है, ये सब कुछ ही तकरीबन वाटरी सा ही है, कोई इतनी क्रीमी नहीं है, कोई इतना थिक नहीं है जो लगा के हैवी लगे और हमें ज़्यादा ऑयली लगे, ये बहुत अच्छी किट है, ये देखें सब कुछ यूज़ कर लिया मैंने, तो आज मेरा हाथ बेचारा भी चमक जाएगा, ये देखें इस टाइप का फील आ रहा है ये सब कुछ यूज़ करने के बाद। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, फजूल ही थी ये ट्यूब, मैंने आप स्टार्ट, ये देखिए व्यूअर्स जो हमारी नेक्स्ट चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वैसे दोनों चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं थी, तो ये वैसे मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने यूज़ की थी लेकिन अच्छी नहीं थी, अब अच्छी नहीं थी चीज़ें वो भी तो बतानी चाहिए ना, अब सब अच्छी तो नहीं बतानी चाहिए। ये देखें ये क्या है, इसको यूवीस पता नहीं क्या रोचर है, एंटी एज ग्लोबल, और ये भी एंटी एजिंग और स्पॉट्स के लिए था, ये डार्क स्पॉट कॉन्सेंट्रेशन, ये देखें कॉन्सेंट्रेट, लेकिन ये बहुत ही बेकार फजूल थी ये ट्यूब, वैसे यूज़ की थी मैंने लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसको अब हम कर देते हैं साइड पे, इसकी ट्यूब भी गुमशुम गई है, पता नहीं ख़त्म हो गई थी वैसे। अच्छा, दूसरी ये विटामिन सी सस्पेंशन है सिलिकॉन, ये ऑर्डिनरी का, ये भी इतना कोई ख़ास नहीं है क्योंकि इसको भी यूज़ करना बहुत मुश्किल है, और दूसरा ये कि ये भी बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन करता है स्किन पे, तो ये अभी पड़ा हुआ है, वैसे ही मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप का है, ये देखें ये ऐसा है, अभी मैंने इसको सोचा था कि मैं मास्क वगैरह में इसको ऐड करके ना किसी टाइप से इसको यूज़ कर लूँगी, ये देखें इस तरह से ये सस्पेंशन है, जैसे पाउडर और क्रीम मिक्स हो ना, ये उस टाइप का, ये देखें, लेकिन ये है कि ये थोड़ा ना इरिटेट करता है स्किन को, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती, थोड़ा बहुत यूज़ किया था मैंने लेकिन फिर ना मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, ये देखें, लेकिन यह है कि ये यूज़ करने के बाद ना स्किन जो है थोड़ी सी वाइट हो जाती है, वाइट टर्न अप हो जाती है थोड़ी सी, ये देखें ये इस टाइप का, लेकिन मैं इसको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, बस ठीक है। और दूसरा जो स्पॉट्स के लिए चीज़ है, सीरम है हमारे पास, ये देखिए ये अल्फा आर्ब्यूटिन 2% और एच ए भी है इसमें, ये भी आप क्रीम वगैरह में भी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, और इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये देखें ये है इस टाइप का, ये देखें ये भी थोड़ा सा ना जैसे स्टिकी सा होता है उस टाइप का है, नियासिनामाइड जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्टिकी है, ये थोड़ा कम स्टिकी है, ये ऐसे है, और इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, आज मेरा हाथ जो है ना चमक जाएगा इतना कुछ लगा के, ये देखें ये सीरम अल्फा आर्ब्यूटिन, लेकिन ये भी अच्छा है। और अगली चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये है, ये पाउडर है, ये स्किन माइक्रोफोलियंट, ये भी बहुत अच्छा है, ये हफ्ते में यानी कि दो बार सिर्फ इसको यूज़ करना है फेस वॉश के लिए, तो ये पाउडर टाइप है, ये देखें इस तरह से आया है, सारा ही बीच में आ गया बेचारा, ये पाउडर है, ये देखें इसको आप इस तरह से लेंगे और इसमें पानी ऐड करके जब हम इसको यूँ मिक्स करेंगे तो इस, अच्छा मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ, देखिए व्यूअर्स जो माइक्रोफोलियंट था ये मैंने हाथ में ले लिया है, इसको मैं यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ कि ये किस तरह से यूज़ होगा, इसमें पानी है देखिए थोड़ा सा ऐड करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा ही डल गया,
ये जैसे फेस वॉश होता है ये उस टाइप का ही होगा। ये देखें अभी तो बना नहीं, पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया, हल्का सा पानी डालना है एक दो ड्रॉप्स, फिर इसको यूं यूं रब करके तो वॉश कर लेना फेस वॉश की तरह, और ये जो है फिर हमारा इनके फेस वॉश हो जाएगा उस फिर आप ये देखो तो इस तरह से। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा झाग नहीं बनती, लेकिन ये अच्छा है, ये मैं यूज़ कर लेती हूँ जैसे नहाने जाओ, हफ्ते में दो बार इसको यूज़ कर लिया, इससे भी थोड़ा सा स्किन जो है हमारी वो डेड स्किन सेल्स जो है वो उतर जाते हैं इसके ऊपर से। तो मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर बाकी चीज़ें बताती हूँ।